नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे या फिर कहें तो गंगा एक्सप्रेसवे। मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाले इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 593 किलोमीटर है। इसके कंस्ट्रक्शन को चार भाग में बनाया जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन अपडेट के बारे में और जानेंगे गवर्नमेंट का क्या प्लान है, इसे कब तक शुरू करना है। आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को प्लीज लाइक करें और चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करें। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। इस चैनल पर आपको सभी हाईवे, एक्सप्रेसवे एवं बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स के बारे में सभी अपडेट मिलेंगे। और अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएं, तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की प्राथमिकता में शामिल गंगा एक्सप्रेसवे का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। बारिश के कारण जमीन समतलीकरण के कार्य में बाधा आई, लेकिन अब यह बाधा दूर हो गई है। चार चरणों में बनाए जा रहे 593 किलोमीटर लंबे मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे के पहले चरण का कार्य अभी तक सबसे अधिक किया गया है। मेरठ स्थित बिजौली गांव से शुरू होने वाले एक्सप्रेसवे में 78.26% कार्य समतलीकरण का पूरा हो चुका है। पहले चरण का कार्य IRB इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को दिया गया है, जबकि बाकी तीन चरणों का कार्य अडानी ग्रुप को दिया गया है। रोजाना की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को औद्योगिक विकास विभाग द्वारा भेजी जा रही है, जिससे कार्य की गति पर रोजाना निगरानी रखी जा सके। सरकार का लक्ष्य है कि कुंभ से पहले एक्सप्रेसवे को शुरू कर दिया जाए। मेरठ में ही निर्माण सामग्री के लिए प्लांट लगाया गया है। इसके अलावा मेरठ के 9 गांवों में अभी तक किसी प्रकार की बाधा नहीं आई है। पहले चरण में सबसे अधिक काम हुआ है, जबकि चौथे चरण में सबसे कम काम। तो आइए अब जानते हैं सभी चार चरणों के बारे में। गंगा एक्सप्रेसवे की 29 अगस्त की रिपोर्ट में पहले चरण में सबसे अधिक कार्य किया गया है। पहला चरण जो कि 129.7 किलोमीटर में से 101.5 किलोमीटर का कार्य पूरा हो गया है। दूसरे चरण में 151.7 किलोमीटर से 107.6 किलोमीटर का कार्य पूरा हो गया है। तीसरे चरण में 155.7 किलोमीटर में से 90 किलोमीटर का कार्य पूरा हो गया है, जबकि सबसे कम चौथे चरण में 156 किलोमीटर में से 85 किलोमीटर का कार्य पूरा हुआ है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट कर बताइएगा जरूर। चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे प्लीज सपोर्ट कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, भारत माता की जय।